हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कि YouTube चैनल पे आपके आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते, तो इस तरीके से आप बात करते हैं, आपके चैनल पे व्यूज भर भर के आएंगे। दोस्तों चलो अगर सबसे तुम्हारे पहले चैनल पे भी सडनली व्यूज रुक जाते हैं तो डेफिनेटली तुम्हारा चैनल भी फ्रीज हो चुका है। एंड आई एम 100% श्योर तुम इस वीडियो को देखने के बाद मुझे थैंक्स बोलने वाले हो, बिकॉज मैं गारंटी लेता हूँ अगर तुमने सारे स्टेप सही तरीके से अप्लाई किया तो तुम्हारा चैनल भी 6 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब ऐप को ओपन करना है, देन इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब जिस भी शॉर्ट को तुम अपलोड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, एंड डन पे क्लिक करते ही तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सिंपली इस ऊपर दिए हुए ऑप्शन एड साउंड पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही तुम इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ तुम्हें बहुत सारे सॉन्ग्स एंड म्यूजिक मिल जाएंगे, बट हमें यूज करना है सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज को। इसके लिए सिंपली तुम्हें बस टॉप साउंड वाले ऑप्शन पे जाके इस सीमोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब तुम यहाँ से देख सकते हो इस म्यूजिक पे टोटल कितनी शॉर्ट बन चुकी हैं, और जिस भी साउंड पे सबसे ज्यादा शॉर्ट बन चुकी हैं हमें उसे ही यूज करना है। सॉन्ग को सेलेक्ट करने के लिए उस सॉन्ग पे टैप करो, एंड यहाँ से तुम देख सकते हो एक एरो आ जाएगा, उस पे क्लिक कर दो। एंड सिंपली अब बस स्पीकर वाले ऑप्शन पे जाके अपनी ऑडियो को 100% रहने दो, और जो भी सॉन्ग तुमने सेलेक्ट किया है उसे 0 कर दो, एंड डन। पर भाई ऐसी ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करने से हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे? इसका जवाब है हाँ, बिकॉज ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करने से तुम्हारी शॉर्ट यहाँ भी रैंक करने लगती है, और समटाइम्स शॉर्ट उस ट्रेंडिंग ऑडियो के सर्च में भी जाने लगती है जिसको तुमने यूज किया है। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मान लो इस सॉन्ग को तुमने यूज किया, एंड नाउ सम चांसेस आर जब भी कोई इस सॉन्ग को सर्च करेगा तो मेरी भी वीडियो साथ में रैंक करेगी। बट इसके दो साइड इफेक्ट्स भी हैं, आओ उन्हें भी जानते हैं। फर्स्ट, समटाइम्स तुम्हें सॉन्ग के ओनर को लॉयल्टी देनी पड़ती है। इन शॉर्ट रेवेन्यू का थोड़ा पार्ट तुम्हें ओनर को देना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज समटाइम्स सॉन्ग की वजह से तुम्हारी वीडियो की ऑडियो भी हटा दी जाती है। मतलब ये है कि इन फ्यूचर कभी उस सॉन्ग की विजिबिलिटी ऑफ हुई यूट्यूब से तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी शॉर्ट की भी ऑडियो ऑफ हो जाएगी। तो क्या हमें इस सॉन्ग वाले फीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए? इसमें मेरा सजेशन ये है कि इस सॉन्ग वाले फीचर को तुम तभी यूज़ करो जब तुम्हारा चैनल फुल्ली फ्रीज हो, लाइक 0 views 0 reach। पर भाई मैं ये कैसे पता करूँ मेरा चैनल फ्रीज है भी या नहीं? तुम अपने चैनल पे इन दो चीज़ों को एडमायर करके ये जान सकते हो कि तुम्हारा चैनल एक्चुअल में फ्रीज है भी या नहीं। फर्स्ट, क्या तुम्हारे रीसेंट की शॉर्ट पे व्यूज आ रहे हैं या नहीं? मीन्स जब भी तुम एक न्यू शॉर्ट अपलोड करते हो तो क्या उसमें व्यूज आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट अपलोड की एंड उस पे अराउंड 1.2K व्यूज आ गए, एंड सेकेंड शॉर्ट पे भी 2K व्यूज आ गए। देन सडनली उसके बाद मैंने जितनी भी शॉर्ट अपलोड की उस पे ना ही व्यूज गए और ना ही यूट्यूब ने उसे किसी को भेजा। इसका साफ मतलब ये है कि मेरा चैनल फुल्ली फ्रीज हो चुका है। पर भाई ऐसा होता क्यों है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है तुम कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड ना करते हो सकता है तुम सही टाइमिंग और सही तरीके से वीडियोस को अपलोड ना करते हो, और जो मुझे लगता है वो ये कि यूट्यूब शॉर्ट एल्गोरिदम अभी उतना अच्छा नहीं है जितना लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का है। बिकॉज मैं ऑलरेडी 20+ शॉर्ट चैनल पे काम कर चुका हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि समटाइम्स फॉर नो रीजन यूट्यूब तुम्हारी शॉर्ट की रीच पॉज कर देता है। और खराब एल्गोरिदम का रीजन मुझे ये लगता है कि तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था तो यूट्यूब ने कुछ मंथ्स के अंदर ही अपना शॉर्ट्स का फीचर लॉन्च कर दिया था, जबकि वो बीटा वर्जन पे था। बिकॉज यूट्यूब के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टिकटॉक की ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की, और नो डाउट यूट्यूब इस मिशन में सक्सेसफुल रहा। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी कुछ शॉर्ट्स पे 10K व्यूज चले गए हैं, लेकिन वहीं मेरी मैक्सिमम शॉर्ट्स पे 100-200 व्यूज ही हैं, तो क्या मेरा चैनल फ्रीज हुआ है या नहीं? इसका आंसर है नहीं, तुम्हारा चैनल एकदम सही है। तो भाई व्यूज इतने कम क्यों आ रहे हैं? यहाँ दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, हो सकता है तुम्हारी शॉर्ट का स्वाइप अप रेशियो बहुत ज्यादा हो। सेकंड, हो सकता है तुम अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस ना बना रहे हो। स्वाइप अप रेशियो को अच्छा करने के लिए तुम्हें अपने इंट्रो पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंट्रो में साउंड इफेक्ट्स और हुक पॉइंट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। पर भाई स्वाइप अप रेशियो होता क्या है और ये होना कितना चाहिए? शॉर्ट में बताऊं तो इसे ऐसे समझो, मान लो तुमने एक शॉर्ट अपलोड की और YouTube ने उसे 100 लोगों को भेजा, देन 40 लोगों ने
दो सेकंड के अंदर तुम्हारी शॉर्ट को स्क्रोल अप कर दिया और वहीं 60 लोगों ने तुम्हारी शॉर्ट को देखा, तो तुम्हारा व्यूड 60% होगा और स्वाइप अवे या फिर स्वाइप अप रेशियो 40% होगा। और थंबनेल की तरह भी यहाँ भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि तुम्हारा स्वाइप अप या फिर व्यूड रेशियो इतना हुआ तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन व्यूड अगर 70 से 90 के बीच में हो तो उसे गुड माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इज यू आर चूजिंग अनडिमांडेबल टॉपिक्स। अगर तुम्हारी वीडियो पे 100 या 200 व्यूज क्रॉस हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा चैनल फ्रीज नहीं हुआ है, बस तुम अच्छे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना रहे हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो एंड ट्राई करो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ, जिसके लिए तुम गूगल ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है थंबनेल्स एंड लोगो। नहीं, मैं लॉन्ग वीडियोस की थंबनेल की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट वीडियोस की थंबनेल की बात कर रहा हूँ। भाई शॉर्ट वीडियो पे कब से लगने लगा थंबनेल? और शॉर्ट्स पे तो सारे व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं ना, तो थंबनेल का क्या काम है उसमें? किसने बोला शॉर्ट फीड से सारे व्यूज आते हैं? हाँ, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। सिंपली अपना YT स्टूडियो ओपन कर लो, एनालिटिक्स पे क्लिक करो, कॉन्टेंट पे जाओ, शॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो एंड टॉप शॉर्ट पे जाके सी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम साफ देख सकते हो तुम्हारी कौन सी शॉर्ट का कितना CTR आ रहा है और टोटल इम्प्रेशंस कितने हैं एंड ऑल। शॉर्ट्स पे व्यूज क्लिक से भी आते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन भाई शॉर्ट्स पे थंबनेल लगाते कैसे हैं? बिकॉज यहाँ पे तो लगाने का ऑप्शन ही नहीं आता। बहुत सिंपल है, जब भी तुम शॉर्ट अपलोड करते हो तो यहाँ तुमने देखा ही होगा एक पेंसिल वाला आइकन शो होता है, सिंपली उस पे क्लिक करो एंड जिस भी फ्रेम को तुम अपना थंबनेल बनाना चाहते हो उसे यहाँ से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो। बाय द वे, अगर तुम अपनी शॉर्ट्स पे अपने चैनल का लोगो नहीं लगाते हो तो आज से लगाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इससे व्यूअर्स को तुम्हारे चैनल को पहचानने में बहुत आसानी होती है। वैसे अगर तुम्हें ये जानना है कि एक दिन में या एक महीने में टोटल कितनी शॉर्ट्स अपलोड करनी चाहिए या फिर शॉर्ट्स को किस टाइमिंग पे अपलोड करना चाहिए, तो कमेंट में शॉर्ट टाइमिंग लिख दो, मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा। बैक टू पॉइंट, आते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जिससे 99% चांसेस आर अगर तुमने इसको सही तरीके से अप्लाई किया तो एक वीक के अंडर तुम्हारा चैनल अनफ्रीज हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपने 5-6 दोस्तों की जरूरत पड़ने वाली है और अगर इससे ज्यादा हुए तो और अच्छा है। तुम्हें सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसमें अपने सारे दोस्तों को ऐड करना है और सबको ये बोलना है कि जैसे ही मैं कोई शॉर्ट अपलोड करूं तो तुम्हें 1 आवर्स के अंदर उसे वॉच करना है। पर गलती से भी ग्रुप पे अपनी वीडियो का लिंक शेयर मत करना। लेकिन भाई बिना लिंक शेयर किए कैसे वॉच कराऊंगा? बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने अपने 10 दोस्तों को ऐड किया ग्रुप पे, देन सबसे पहले तुम अपने चैनल का नाम सबको बता दो एंड अब अराउंड 3-4 लोगों को ये बोलना है कि तुम मेरे चैनल को सर्च करके मेरी रिसेंट वाली शॉर्ट्स को वॉच करो एंड 2-3 लोगों से ये बोलना है कि तुम मेरी शॉर्ट्स को सब्सक्राइबर फीड्स में जाके वॉच करो और बाकी के बचे हुए लोगों से ये बोलना है कि तुम मेरी शॉर्ट्स की टाइटल को सर्च करके मेरी वीडियो को वॉच करो। 99% चांसेस आर अगर तुमने सारे स्टेप सही तरीके से किए तो तुम मुझे थैंक्स बोलने आने वाले हो। बाकी इस वीडियो को देख के तुम ये जान सकते हो कि सही तरीके से वीडियोस को अपलोड कैसे करते हैं। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।